मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करेंगे उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे। कि सच कायम रहना चाहिए, सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाल्लाह और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है, हमने मोहब्बतें बढ़ानी है। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। जो फारूख साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज आपने मेहनत पर आप खड़े उतरे जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को? जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करना। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए हम कोशिश करेंगे उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे। कि सच कायम रहना चाहिए, सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाल्लाह और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है, हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज भी खूब है, मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे।